हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच इज बेसिकली पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और अलग अलग टाइप के इनहिबिटर्स आते हैं जो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करते हैं। सो बेसिकली इसमें मैं आपको थ्री शॉर्ट वीडियोज बनाऊंगा। एक में मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनहिबिटर से डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, एक में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इनहिबिटर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, मतलब एक में हम ईटीसी के इनहिबिटर डिस्कस करेंगे, एक में हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एज यू मस्ट बी नोइंग, इसका मोटिव होता है प्रोटोन ग्रेडियंट बनाना। ठीक है, कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जनरली जो हम ये बनाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज हो जाते हैं। एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कि उन हाइड्रोजन आयंस व्हेन दे आर पंप बैक फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टुवर्ड्स मैट्रिक्स थ्रू एटीपी सिंथेज व्हिच इज एफ नॉट एफ वन, तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, और एक वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अनकपलर्स के बारे में कि अनकपलर्स क्या होते हैं। जैसे आपका 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल एक अनकपलर है, और भी ऐसे काफी आपके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, बट इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। ठीक है, जैसे ये एक टेबल भी है, इसमें जैसे ये आपके जो 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल है, ये आपका अनकपलर है। ठीक है, रोटिनोन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करता है। एंटीमाइसिन ए, ठीक है, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम एजाइड, योर हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे के सारे आपके इनहिबिट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। ठीक है, ओलिगोमाइसिन ये एक तरह से आपका एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। ठीक है, कि ये एटीपी फॉर्मेशन नहीं होने देता है। ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एज वी नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर वी हैव फोर कॉम्प्लेक्सेस, 1, 2, 3, 4। लास्ट में ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और वाटर बनता है। तो जैसे रोटिनोन कहाँ पर एक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स 1। एंटीमाइसिन ए इट एक्ट्स एट द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स 3। एंड साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एजाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कॉम्प्लेक्स 4 लेवल पे एक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ये भी एक जगह कई जगह क्वेश्चन आता है, जो रोटिनोन होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ठीक है, कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है उसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आपकी बनती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो ईटीसी, यू मस्ट बी नोइंग कि इसके अंदर 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और बेसिकली दे वर्क ऑल टुगेदर एंड लास्ट में इलेक्ट्रॉन एज आई टोल्ड यू जो कि ऑक्सीजन के पास जाता है और फाइनल प्रोडक्ट आपका वाटर बनता है। ठीक है, सो ये जो चारों कॉम्प्लेक्सेस हैं दे शुड बेसिकली देर हैज टू बी सम स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, कि सारे के सारे जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं। ठीक है, एंड दीज आर फिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ यूबिक्विनोन्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, यूबिक्विनोन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास कैरी करते हैं, यूबिक्विनोन। सो यूबिक्विनोन्स आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, बिकॉज दीज कॉम्प्लेक्सेज आर फिक्स, सो दे यू नीड सम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास लेके जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, कि ये वो इनहिबिटर्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी चेन को इनहिबिट करते हैं रादर देन विद द एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन कपलिंग रेस्पिरेशन विद एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी तभी मैट्रिक तभी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रोटॉन्स की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी और तभी आपका एटीपी बनेगा। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पहले चलनी चाहिए तभी एटीपी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनहिबिटर्स बता रखे हैं, सबसे पहले है रोटिनोन। ठीक है, ये जैसे इट इज नॉन टॉक्सिक इनहिबिटर। ठीक है, दीज कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूट्स ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट डायरिस एलिप्टिका
एंड लोन को कार्पस निकोई। अब ये कहां पर एक्ट करता है? ये एफईएस प्रोटीन जो होता है कॉम्प्लेक्स वन का और यूबिक्यूनोन, ठीक है, ये दोनों, ये कॉम्प्लेक्स वन में एफईएस और यूबिक्यूनोन के बीच में जाके बाइंड करता है। तो मतलब एफईएस से यूबिक्यूनोन्स के पास ये इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने देता। ये मैमल्स के लिए नॉन टॉक्सिक है क्योंकि इसकी अब्सॉर्प्शन पुअर होती है, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में भी दिखाया, इट इज ए फिश टॉक्सिन, ठीक है। तो जनरली ये जो रोटिनोन होता है ये फिश के अंदर मेनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करता है, ठीक है। सेकंड वी हैव पायरिसिडिन ए, ये एक एंटीबायोटिक है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से मिलती है और इसका मोड ऑफ एक्शन भी रोटिनोन की तरह ही है, मतलब इट इज ऑल्सो इनहिबिटिंग यूर कॉम्प्लेक्स वन, ठीक है। बारबिट्यूरेट्स में अमाइटल, सिकोनल एंड दे ब्लॉक एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज एंड कोएंजाइम ए, कोएंजाइम क्यू, तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स वन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो रोटिनोन, पायरिसिडिन ए एंड अमाइटल, थ्री ऑफ देम आर इनहिबिटिंग कॉम्प्लेक्स वन, ठीक है। एंटीमाइसिन ये कॉम्प्लेक्स थ्री को इनहिबिट करती है, ठीक है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक, इस एंटीबायोटिक को स्ट्रेप्टोमाइसिस बनाती है और ये जनरली जो साइटोक्रोम बी और सी वन विच इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स थ्री, तो उसके बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो को ये स्टॉप करता है, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर आपकी नहीं चलेगी तो एटीपी सिंथेसिस भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो एंटीमाइसिन अगर पूछते हैं तो इट एक्ट्स एट द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स थ्री। डाइमर कैप्रोल, इसका एक्शन भी एंटीमाइसिन की तरह है, ठीक है। देन वी हैव दीज फोर, साइनाइड, एजाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन मोनोक्साइड, ये जो होते हैं जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फोर है जिसे हम साइटोक्रोम ए थ्री बोलते हैं, तो ए ए थ्री से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाने को ये चारों रोकते हैं, ठीक है। इट इज बेसिकली एक्टिंग एट द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स फोर, ठीक है। तो वहां पर जो भी रिएक्शन हो रही हैं, तो साइनाइड, कार्बन मोनोक्साइड, योर सोडियम एजाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ऑल ऑफ दैम, ऑल फोर ऑफ दैम ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फोर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सब आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनहिबिटर्स हैं जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको नाम बताया, प्रोटीनोन हो गया, अमाइटल हो गया, पायरिसिडिन ए हो गया आपका, एंटीमाइसिन हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, ऑल ऑफ देम आर इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो इनहिबिटर है वो कौन से कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट थ्री है जिसमें हमने डिस्कस करा अबाउट योर रोटिनोन, पायरिसिडिन ए, अमाइटल, ठीक है, ये तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स वन लेवल पे इनहिबिट करते हैं एंटीमाइसिन कॉम्प्लेक्स थ्री, ठीक है, जो इनिशियली यहाँ पर आपको एक यहाँ पर भी शो कर रखा है विच इज इन द टेबल। एंड रेस्ट फोर जो साइनाइड, कार्बन मोनोक्साइड, सोडियम एजाइड और H2SO4 है वो कॉम्प्लेक्स फोर लेवल पे एक्ट करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स फोर से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है टूवर्ड्स ऑक्सीजन उसे ब्लॉक करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बायोटेक सेपियंस। और इसी की नेक्स्ट जो वीडियो है, जो मतलब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट अगली दो वीडियोज के अंदर, इन वन ऑफ द वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द अनकप्लर्स एंड इन वन ऑफ द वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द जो एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं कि जो आपका जो एटीपी फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो इनहिबिटर्स जो एटीपी सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं और यू कैन से दे आर इनहिबिटिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो थैंक यू सो मच।